ये पौधे लॉकडाउन से पहले लगाए थे और अब देखो कितने बड़े हो गए हैं। अब इसमें संतरे भी उगने स्टार्ट हो गए हैं छोटे छोटे से। पहले ये अब दूसरी बार आ रहे हैं, इससे पहले ऑरेंज कलर के पूरे अच्छे से बन गए थे। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कल हमारे इंडियन डांस प्लेयर सुमित नगल का मैच था सेकंड राउंड यूएस ओपन में विद डोमिनिक थीम, जो कि वर्ल्ड नंबर 3 है इस टाइम पे। एंड मैंने तो मैच देखा नहीं क्योंकि कल रात को 11 बजे के राउंड था, इस टाइम तक तो मैं सो जाता हूँ। एंड तो मुझे सुबह मेरे ट्रेनर ने बताया मैच के बारे में कि कैसा मैच था, कि उन्होंने पूरा मैच देखा था कल रात को। एंड फिर मैंने आके उस मैच की हाइलाइट्स देखी एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़े। सुमित नगल 3-6, 3-6, 2-6 डोमिनिक थीम से आ रहा। एंड जो मेन रीज़न उसकी हार का था, जो मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा, वो उसकी सर्विस था। क्योंकि उसकी फर्स्ट सर्व थी उसमें से उसने 56% पॉइंट जीते एंड 38% सेकंड सर्व से उसने पॉइंट जीते, जो कि बहुत ही लो है। एंड एज़ कम्पेयर टू थीम उसने 75% फर्स्ट सर्व से पॉइंट जीते थे। एंड दूसरी बात कि उसकी जो फर्स्ट सर्व की एवरेज स्पीड थी उसकी 100 MPH थी सुमित नगल की, एंड जो थीम की थी वो 113 MPH थी। एंड बाकी वो खेला अच्छा, पहले भी अच्छा खेला था, जब उसका फेडरर के सामने आया था तब उसने एक सेट लिया था फेडरर से, क्योंकि बहुत ही बड़ी बात है फेडरर से एक सेट लेना। एंड उसके बाद अभी रिसेंटली वावरिंका के साथ चैलेंजर्स में खेला, वहाँ पे भी इसने एक सेट लिया एंड अब थीम के साथ ये खेला था। तो इसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी जो कि सर्विस की थी। इसने पूरे मैच में सिर्फ एक एस मारी और 4 डबल फॉल्ट किए एंड 7 बार अपनी सर्विस ब्रेक कराई पूरे मैच के अंदर। एंड जो थीम की स्ट्रैटेजी मेन स्ट्रैटेजी थी कि उसने सुमित नगल को फोरहैंड पे नहीं देना, तो उसने मैच से पहले सुमित नगल की बहुत ही ज़्यादा वीडियोस देखी थी जहाँ पे उसने पता करा कि उसका जो फोरहैंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड रिपिंग फोरहैंड है। तो उसने यही स्ट्रैटेजी अपनाई कि उसको फोरहैंड में नहीं देना, जो कि उसकी स्ट्रैटेजी कामयाब रही। बाकी सुमित नगल सेकंड राउंड तक पहुँचा, जो कि 7 साल बाद कोई इंडियन टेनिस प्लेयर है जो कि वहाँ तक पहुँचा है अपने यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम में। एंड मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ही अच्छा खेला, उस लेवल तक पहुँचना भी बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो जो आर्टिकल्स में पढ़ा मैं वो बता रहा हूँ आपको। एंड क्वाइट इम्प्रेसिव था, सेकंड राउंड में पहुँचना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और होप करता हूँ कि फ्यूचर में भी अच्छा खेले और आगे और सेकंड राउंड से फाइनल तक पहुँचे ग्रैंड स्लैम में और एक दिन ग्रैंड स्लैम भी ले। ये मेरा शूज़ जो करंटली मैं खेलता हूँ एंड ये देखो पूरा वॉर्न आउट हो गया, ये ऊपर से पूरा गया, इसको ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए शूज़ को। और कोई नवा सोच रहा हूँ लाने की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सा लूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस शूज़ लेना है। तो अभी कोई सस्ता सा ही देख रहा हूँ, कोई पहले भी एक पड़ा है मेरे पास, ये भी पूरा गया इधर का और इसका दूसरा, ये देखो ये भी गया साइड से। मेरा हमेशा शूज़ यहीं से जाते हैं, बताइए हो गए ऐसे ऊपर से जाते हैं साइड से, मेरा फ्रेंड है उसके तो ऊपर से फटते हैं, स्केट वगैरह ज़्यादा मारता है वो खेलते हुए, बट मेरे हमेशा यहीं से जाते हैं। गाइस अभी 2:15 बज रहे हैं और मैं जस्ट खाना खा के हटा हूँ और मैं अपनी बहन के साथ बाहर मार्केट जा रहा हूँ थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग करने। हमारे घर के पास ही डी मार्ट है 500 मीटर के विदिन, तो वहाँ पे जा रहे हैं थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग करने, उसने थोड़ा सामान लेना था तो मैं फ्री था तो मैंने चला सोचा कि मैं उसके साथ चलता हूँ। अभी दोपहर के टाइम देखो कितनी धूप निकली है, कितनी गर्मी है इस टाइम पर और इस टाइम जाना बड़ा मुश्किल है। एंड ये देखो मेरी i20 खड़ी है जिसमें मैं जाता हूँ, और इससे पहले i10 ली थी, मेरी बहन की गाड़ी है तो, और इसको भी काफ़ी टाइम हो गया लिए हुए, आज इसमें जाएंगे हम। अभी इस टाइम इतनी गर्मी है कि जैसे गाड़ी में बैठा तो पूरी सीट गर्म थी, सारी पीठ ऑलमोस्ट जल चुकी है मेरी, और इतनी गर्मी में तो एसी का कोई पता नहीं लग रहा गाड़ी के अंदर। पता नहीं हम दोपहर को क्यों निकले, हमें शाम को जाना चाहिए था, चलो अब तो निकल गए काम करके ही आएंगे। जस्ट अभी डी मार्ट आए हैं और ये डी मार्ट के नीचे पार्किंग है, पहले ऊपर होया करती थी, और अभी दोपहर के टाइम पे भी इतना रश है, आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियां हैं। शूटिंग अलाउड नहीं थी डी मार्ट में, तो यही थोड़े बहुत शॉट्स हैं जो मैंने लिए हैं।
एक घंटा लग गया शॉपिंग में, और लेना थोड़ा सा सामान था, और आप देखो कितना ज़्यादा सामान ले लिया। गाइस बट जस्ट अभी मैं घर आया हूँ। तो मैं अपनी बहन के साथ शॉपिंग करने गया था एंड बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इस टाइम दोपहर को, और हमें ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो गए शॉपिंग करते हुए। एंड हमने लेना थोड़ा सा सामान था, लेकिन वही आप शॉपिंग करने जाओ तो ऑलमोस्ट ज़्यादा सामान आ ही जाता है जितना आप एस्टिमेट करो। एंड अभी बस मैं थोड़ी देर पर अपना वर्कआउट स्टार्ट करने लगा हूँ, एंड तो उससे पहले बस मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीने लगा हूँ। शॉपिंग के बाद आके मैं डायरेक्टली नेटफ्लिक्स देखने बैठ गया था, तो अभी 1 घंटा मैंने वही देखा था। मैंने अभी न्यू सीरीज स्टार्ट किया उजाग, तो बस वही देख रहा था। और अभी इस टाइम 5 बजने वाले हैं, अब मेरा वर्कआउट का टाइम है। हर रोज़ मैं इसी टाइम वर्कआउट करता हूँ, तो मैंने बस ब्लैक कॉफ़ी पी थी आधे पौने घंटे पहले, एंड आज शोल्डर का वर्कआउट है। बस जस्ट मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करने लगा हूँ। जस्ट फिनिश माई वर्कआउट विद दिस न्यू सेट ऑफ डम्बल्स। ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज किए हैं, और ये 7.5 kg के ईच हैं। एंड ये मैंने कार्दिन स्पोर्ट्स से लिए थे, ये 1800 के अराउंड थे। जो पिछले वाले मेरे डम्बल्स थे वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड के थे, मैंने उनसे बोरो किए थे, तो उनको चाहिए थे इसलिए उन्होंने वापस ले लिए। एंड अभी जिम जाना तो मेरा हो नहीं पा रहा पॉसिबल, तो इसलिए मैं घर पर ही डम्बल ला के होम वर्कआउट करना स्टार्ट किया हुआ। यूजली वर्कआउट के बाद मैं पबजी खेला करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ अराउंड 7 o'clock, जब वो ऑफिस से आता है बैंक से। तो वी यूज़ टू प्ले टुगेदर, क्योंकि अभी मेरी शाम को टेनिस अकेडमी खुली नहीं है, तो टाइम पास के लिए 1 घंटा हम खेलते हैं पबजी रोज़। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने पबजी बैन कर दी है कम्प्लीटली। पहले टिकटॉक बैन किया था एंड अब पबजी बैन है, उसके साथ 100 और चाइनीज ऐप बैन कर दी है। तो मुझे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं हार्डली 1 आवर पूरे दिन में खेला करता था, वो भी अगर फ्रेंड का फ़ोन आ जाए तो खेल लिया, वरना नहीं। तो मैं अभी जस्ट मैंने चेक की थी, तो पबजी वैसे फ़ोन पर तो अभी चल रही है, लेकिन प्ले स्टोर से कम्प्लीटली डिलीटेड हो गई है। तो अभी ये प्रोसेस में है, तो अभी 2-3 दिन में पूरी वैनिश हो जाएगी। एंड जो बाकी और जो लोग हैं या जो किड्स हैं जो पूरा पूरा दिन खेलते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है इससे, क्योंकि उन्होंने कईयों ने तो UC बाय की हुई है, या कईयों को तो खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं जो स्ट्रीमर्स हैं, जैसे डायनमो हो गया, मॉडल हो गया एंड स्काउट हो गया, और भी जो स्ट्रीमर्स है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उनकी पूरी जो भी आमदनी थी पूरी पबजी से थी। जैसे कि जो भी उनको लाइव चैट में डोनेशन मिलती थी, या फिर जो व्यूज़ आते थे उससे जो पैसे आना, या जो स्पॉन्सर होते थे उससे पैसे मिलना, तो उनकी तो ऑलमोस्ट आमदनी पूरी बंद है। लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव हैं, जैसे फ्री फायर वगैरह, वो भी स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे फ्री फायर इतनी पसंद नहीं है। लेकिन GTA 5 की भी स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा चलती है यूट्यूब पे, अगर आप देखेंगे तो। पर्सनली मुझे GTA 5 बड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने अपनी लैपटॉप में भी खेली थी, तो उसकी स्ट्रीमिंग भी मोड्स डाल के लोग करते हैं, तो उसका वो भी गुड ऑप्शन है पबजी के बाद। बाकी गाइस, मैं आपसे जानना चाहता था कि मैं फिटनेस रिलेटेड वीडियो और टेनिस रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पर डाला करूं। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। एंड बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड मुझे अब थोड़ा काम आ गया, तो मुझे अभी मार्केट जाना पड़ेगा, तो इसलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।